और भाई इंटर के बाद कैसा लग रहा है? मत पूछ भाई, इंटर ही अच्छा था। अरे यार भाई, पर सही है भाई, आर्टिकल जितने लगा रखी, इतना काम कराते हैं, एक साल हो गया अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाया। यही हाल है भाई, सही है। नीचे गन्ने वाले को देखकर मुझे मेरे प्रिंसिपल की याद आती है, जिसे वो गन्ने का रस निकालता है, हमारा प्रिंसिपल हमारा रस निकालता है। हाँ यार भाई, बात तो सही है। मुझे क्या लग रहा है, अपने को SFM और FR तो स्टार्ट कर देना चाहिए एटलीस्ट। तूने क्या सोचा लेक्चर का? भाई लेक्चर तो ऐसे होने चाहिए जो कम ड्यूरेशन के हों और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें पास भी करा दे। भाई मेरे को क्या लगता है, FR और SFM के अंदर रिस्क नहीं ले सकते हैं कि कम ड्यूरेशन का अपन ले लें। अपने को इसके लिए कम से कम 60+ तो स्कोर करना ही चाहिए। अरे अपन अक्षत से भी तो पूछ सकते हैं। हाँ यार, दैट कैन बी डन। अरे ओ बिग फोर, तू भी तो कुछ एक्सपर्ट कमेंट दे ना। हाँ रक्षित, कुछ सजेस्ट तो कर। तेरे FR भी हो गई है और न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग तो FR के अंदर नेग्लिजिबल चेंजेस है। Bro, for FR I took regular batch of faculty. Though it was of more than 400 hours, it was lengthy, but I feel it was worthy the time because there was no single minute wasted in the class. All the questions were solved in the class itself. No topic was left untouched. So I feel I am very much confident in this subject. Rest, you people are smart enough to decide. I have some important emails to clear right now. Thanks. Tu email hi clear kar. Hum chale exam clear karne. देख भाई, अपने को पढ़ना तो सर से ही है क्योंकि इन डेज एग्जाम्स और इंटरव्यू में बहुत काम आते हैं। लेट्स टेक नो चांस। अरे भाई, ये बिग फोर को तो रैंक लानी है, अपनी तो 400 पे ही रैंक है। सही है भाई। चल भाई। क्या भाई आर्यन, देख कितना कंफ्यूजन है, इतनी सारी फैकल्टी जरूर, उसमें किसके लेक्चर सिलेक्ट करें FR के लिए समझ ही नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा था इस फैकल्टी के भी तो ले सकते हैं अपन। बहुत सारी फैकल्टी, लेकिन एक चूज करनी पड़ेगी ना। अरे इतना टेंशन क्यों लेते हो भैया, आप नहीं समझोगे। बात इतनी टेंशन वाली है? अरे मैं नहीं समझूंगा, मुझे भी यही कंफ्यूजन होता था। क्यों, आप भी CA कर रहे हो क्या? से कर नहीं रहा हूँ, मैं CA हो गया हूँ। अरे सर बैठिए। अरे सर क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप ही हमारे FR के लेक्चर के प्रॉब्लम में उनका सॉल्यूशन दोगे। हमें पढ़ना तो सार्थक सर से ही है, पर 400+ आर के लेक्चर हम ले या ना ले कंफ्यूजन है। अरे तुम्हें नहीं मालूम, सार्थक सर के FR का लेटेस्ट बैच जो है वो सिर्फ 340 आवर्स का है। नहीं, हमें तो लगता है कि सार्थक सर का रेगुलर बैच 420-430 आवर्स का है। अरे ऐसा नहीं है सर, का जो अभी लेटेस्ट बैच है उसमें सिर्फ 100 लेक्चर्स में FR A to Z कम्प्लीट हो जाता है 340 आवर्स में बस। अरे तो सही है। हाँ आपने इतना बता दिया है तो आपने हमारा कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया, लेकिन आपने इतना बताया तो आप और भी कुछ बता दो, जैसे कि ICA का SM अमेंडमेंट, इनसे रिगार्डिंग भी हमें कुछ बता दो। देखो ध्यान से सुनो, 100% कोर्स कवरेज, ऑल ICA पब्लिकेशन क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं इसमें। अमेंडमेंट्स का क्या? अमेंडमेंट्स का सपोर्ट रहेगा टिल एग्जाम ऑन फास्ट ट्रैक। और डाउट सॉल्विंग का? विद इन 24 आवर्स रिप्लाई आ जाता है, कभी कभार 1-2 आवर्स में भी आ जाता है, मुझे 11-12 बजे तक भी आ जाता था रात की। ये अच्छा है। वही तो भाई, ये सब तो ठीक है, बट पास तो हो जाएंगे ना? अरे मई 22 अटेम्प्ट में सर के 33 AIRs थे, उसमें से ज्यादातर ने FR और ऑडिट दोनों सर से ही लिया था। हाँ सर, ये तो मैंने भी देखा था, एक ही सिंगल अटेम्प्ट के अंदर 33 ऑल इंडिया रैंक्स आई थी। फिर तो ये सबसे बेस्ट है। वही तो, और क्या ही चाहिए स्टूडेंट को। और सबसे बेस्ट बात, एग्जाम से 2-3 महीने पहले सर का पावर बैच ले लो, 70 आवर्स में पूरा FR रिवाइज, वो भी फ्री। भैया आ गया समझ में, आज से तो FR स्टार्ट कर ही देते हैं। चलते हैं फिर अपन। कहाँ चलते हैं, अब तो सीधा फास्ट जाएंगे और FR के लेक्चर कॉपी कराएंगे। चलो चल लेते हैं। चलो आप क्या कर रहे हो, अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हो क्या? हाँ प्रैक्टिस में हूँ मैं तो अभी। अच्छा तो पैकेज नहीं लिया मैंने, तो प्रैक्टिस ही कर। अरे भैया आप इनको कैसे जानते हो? अरे ये मेरे दोस्त हैं, हमने साथ में एग्जाम दिया था पर इनका नहीं हुआ, तुम इनको कैसे जानते हो? ये हमारा ऑफिस में सीनियर आर्टिकल। इन्होंने तुमको सजेस्ट किया था कि 200 डॉलर वाली क्लास ले लो। अरे आई वाज जस्ट किडिंग। भाई ऐसा मजाक कौन करता है?